नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोग की फरमाइश आती है कि जो बम्बू पाम होता है उसको किस तरह से लगाए, क्या खाद लगेगा, वो सब पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे राइट कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले आपका पौधा दिखाता हूँ, उसके बाद आप जो है इस पौधे के लिए किस तरह की खाद लगेगी गमले में वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पौधा दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है बम्बू पाम। तो ये इंडोर प्लांट है, आप इसे ऑफिस में लगा सकते हैं, बाहर भी लगा रख सकते हैं, जो है नो मेंटेनेंस, ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है और बहुत दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। ये देख लीजिए अच्छे से, तो इसको हम लगाएंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं कि गमले की मिट्टी किस तरह से तैयार करें। दोस्तों, ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोज लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये DAP है, दिखा देता हूं, ये देखिए, ये DAP है, बस इतना ही, 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था। तो 3 दिन हो चुके हैं, ये DAP में डाल चुका हूं, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूं मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इसमें पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूँ। दोस्तों, ये गमला और गमले में देखिए ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरे हो इसको इसके ऊपर रख दीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इसके हम जब थैली निकाल लेंगे ऊपर से, दोस्तों ये जो काली थैली होती है ये ऐसी रहती है कि ये अपने आप मिट्टी में घुल जाती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो इसको इसीलिए इसी प्रकार से लगाया जाता है। तो अब हम इसको बीचों बीच गमले के सेंटर में लगा देंगे। सेंटर में लगाने से इसका जो है जब ये बड़ा होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, देख लीजिए आप। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, तो दोस्तों अब हम इस पे डालेंगे मिट्टी, मिट्टी डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरह से मिट्टी आपको लगेगी, उस तरह से आप मिट्टी डालें और गमले को भर लें। एक काम अवश्य करें, शाम के समय लगाएं पौधे को। आप लोग से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि पौधे को जब भी लगाएं तो शाम के समय, जिससे क्या पौधा एक्टिवेट हो जाता है। और पौधा जब भी आप गमले में लगा रहे हैं या ऐसी जगह लगा रहे हैं जिसमें मिट्टी कम है, तो उसको जो है आप छांव में रखें कम से कम 7 से 8 दिन। अब इसमें मिट्टी डाल लेंगे इस तरह से, और जब भी ये काम करें तो इसमें पानी जो है आप
जो है अवश्य डालें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। इस तरह से लगाएं आप बम्बू पाम। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।